नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले धान की खेती के बारे में। धान की रुपाई होने के बाद बहुत से किसान भाइयों के सामने समस्या आ रही है कि उनके धान की फसल की ग्रोथ जो है वो पूरी तरीके से रुक चुकी है। धान के पत्ते जो हैं पीले पड़ रहे हैं, उनके किनारे जो है जलने की शिकायत आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे और इसका कम्प्लीटली डोज बताने वाला हूँ आपको। तो ये काम जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो अगर आप अपने धान की फसल में करते हो तो आपके धान की फसल की जो है ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसके अंदर जो पीलापन है या कोई भी समस्या है तो वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहना किसान भाइयों, लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसान भाइयों, धान की रुपाई होने के बाद अगर 15 या 20 दिन के बाद अगर आपकी धान की फसल की ग्रोथ जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, उसके अंदर आपको हल्का फुल्का पीलापन दिखाई दे रहा है या उसके पत्ते जलने की शिकायत आ रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको लगभग 30 से 35 किलो यूरिया लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। ये डोज मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आप अपने ध्यान में रखें। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया लेना है, उसके बाद आपको मिलाना है उसके अंदर जिंक। जिंक कौन सा मिला है, आप 21% वाला जिंक खरीदें और लगभग 5 से 6 किलो आपको जिंक खरीदना है। उसके बाद आपको उसमें जो है 5 से 6 किलो ही सल्फर मिला देना है। सल्फर खरीदते वक्त याद रखना है आपको कि 80% वाला जो पाउडर फॉर्म में जो सल्फर आता है उसी को आपको खरीदना है, 90% वाला जो बेंटोनाइट आता है उसको आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि उसका रिजल्ट फसल रुपाई के बाद अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो 80% वाला जो पाउडर फॉर्म में जो सल्फर आता है उसको आपको खरीदना है। इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपको अपनी फसल के ऊपर टॉप ड्रेसिंग करनी है। ये जिंक मिलाए हुए यूरिया को आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको एक साथ कहीं पर भी ज़्यादा मात्रा में मत डालना, वहाँ धान सूखने की समस्या आ सकती है। तो आप जो है जिस तरीके से यूरिया का बुरकाव करते हैं, हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं अपनी फसल में, उसी प्रकार से आपको इन तीनों को आपस में मिलाना है। उसके बाद अपनी फसल में जो है हाथों से इनका छिड़काव कर देना है। छिड़काव करने के बाद ना किसान भाइयों, 2-5 दिन के अंदर ही जैसे ही ये फसल को मिलेंगे तो इन पोषक तत्वों की पूर्ति फसल को होगी, तो आपकी फसल की जो है ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। उनके जो पत्ते हैं उनमें अगर किसी भी प्रकार का कोई पीलापन आ रहा है तो वो भी दूर हो जाएगा और फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी, अच्छा उसके अंदर फुटाव आएगा, तो आपकी पैदावार भी यहाँ पर जो है बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में जो जानकारी शेयर की गई है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।